नमक चचरानी थी तनात में नाम भगवाने मोतिया सोने का मैं चोच बनवा दूंगा, जाओ सरदार जी। इस मैं गिद्धिन को भेज दिया हूं पता लगाने के लिए। हम लोग सभी भाई बैठ करके राज बंगले पर कुछ विचार कीजिए। मैंने चिट्ठी लिखकर मैंने आपका देती हूँ और जाके राज में आपका जाकर खबर जगाइए, हमारी जल्दी कल छुड़ा के लग जाएंगे। खुश रहो जाओ।
इधर, ये तो चिट्ठी पर लिखा हुआ है कि पत्थरीगढ़ का रहने वाले राजा ज्वाला सिंह हमारी भाभी सोना को सात खंड में से हरण कर ले गई है, ले गया है। ओ राजा को नाम ज्वाला सिंह है, वो हरण कर सात खंड से पत्थरीगढ़ में लेकर चल गया है। ये दिन तो एक काम करो, इस वक्त जिस पहाड़ पर तुम रहती है उसी पहाड़ पर चले जाओ, मैं स्वयं तुम्हें बुला करके राजभवन में जो मैं गच्छा हूँ वो तुम्हें पूरा हो जाएगा, ठीक है? जाओ भाई देवा, चलो। काल मलरा गेले जोड़ी महो रजवा के, चलो हम लोग सेदा सजा करके हम लोग राजपत्री में चढ़ाई करते हैं। भाई देखें नहीं, ओ कितनों तो पंछी है जिद्दिया जटाहिन, ओ पंछी है, उन्हीं को बातों में हम लोग नहीं रहना है। जब तक हम लोग कोई भाई अपना आंखों से नहीं देखेंगे, जब तक राजपत्री में चढ़ाई नहीं करेंगे। कहने के लिए क्या चाहते हो? हम कहने के लिए यह चाहता हूँ कि चुल्हारी चुढ़ाया को भेष बनाइए और जाकर पता लगाइए राजपथरी में, ताकि जिस नाल जिस गांव में हमारे भाभी सोना रहेंगे उस गांव में जरूर पता चलेंगे। तुम्हें कहना है कि जो पंछी है काच माच खाती है उसको बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, इसलिए स्वयं अपने आंखों से जाकर के खुद देखिए। मैं चुल्हारा का भेष बनाऊ, चूड़ी बेचने के लिए राजपथरी में जाऊं, खुद मैं अपनी आंखों से देखूं। ठीक है सरदार जी, आप लोग राजभवन बैठ के विचार कीजिए, मैं चुल्हारा को रूप बना करके चूड़ी लेकर के राजपत्री में जा रहा हूं। भाई रुदल, जंबे का पुत्र पापी राजा ज्वाला सिंह राजमहव्या में प्रवेश करने होने का कैसे इतना साहस हो गया कि मुझे रानी का हाथ से चुरा करने के चला गया है? भैया जी, जिस तरह रावण माँ सीता को हरण करके ले गया था तो उसे विनाश का समय आ गया था, उसी प्रकार से राजा ज्वाला सिंह का भी विनाश का प्रलंबन आ चुका है। ठीक है, आप बैठ के विचार कीजिए। ठीक है, जाइए, जल्द आइएगा।
एकरा बहन के एकरा बेचू नहीं आवा है वैसे ही बेचा है कि लीजिएगा चूड़ी तरह तरह से चूड़ी कोई लेता है। हमारा देश का यही भाषा है, हमारा देश का भाषा है ना, हमर देश में आया है तो हमर देश वाला भाषा बोलिए। यहाँ बोलिएगा कि लीजिएगा चूड़ी तब आपको चूड़ी बिकेगा। ओह ये सब देश का यही सब भाषा है। अच्छा ले लीजिएगा चूड़ी, आप पहनिएगा तब। अरे भैया ये जानते हैं चूड़ी, चूड़ी को कहा नाम है। अच्छा ये बताइए कि आपको चूड़ी किनको पहनना है, आपको पहनना है? ये चूड़ी हमको नहीं पहनना है, ये जौन हमें जौन दरबार में रहते हैं ना उस दरबार में हमारे एक छोटी दीदी है, उन्हीं बड़ी दिन से वो कहते रहते कि कोई चूल्हारे आएंगे ना उसको लेकर के आना, हम चूड़ी पहनेंगे। कौन राज है? ए राज पथरीगढ़ है। पथरीगढ़ है, यहाँ के राजा का नाम? यहाँ के राजा के नाम ज्वाला सिंह है। आप ज्वाला सिंह का यही मकान है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, जिनको पहनना है बुला के लेकर आइए। हाँ नहीं का पहनना है, ठीक है बैठिए। सुनिए इधर आइए, ये आपको कौन लगते हैं? है हमारे मालिक के बेटी तो दीदी का या दीदी। अभी बहुत उम्र बहुत कच्ची है, बहुत बच्ची हैं, अभी बच्चे है या किन्त बहादुर थोड़ा सा सहारा करने पड़ेगा। सहारा? हाँ ये चूड़ी जो है चूड़ी थोड़ा टाइट जाएगा। हाँ ये चूड़ी टाइट जीता। हाँ उनका कलाई जो है बहुत छोटा कलाई है, छोटे में टाइट जा। चूड़ी भी कलाई से छोटा चूड़ी है। हाँ ये ना कहो के चूड़िया छोटा है तो छोटा के टाइट जीता है। ठीक है लीजिए। अरे कैसा लाये दरबार चूड़िया? ये तू कौची पहनार ले, हमारी दीदी के धरा धोर ले। अगर मैं बर्दाश्त करा बर्दाश्त करा बर्दाश्त करा बर्दाश्त करा बर्दाश्त करा सहारे कर पर तो बर्दाश्त करा दीदी बर्दाश्त करा। आज ज्यादा नहीं था, ज्यादा नहीं था, ये मैं उन्हें हो जाता। हाँ हो गलो हो गलो हो गलो ना, इतने बर्दाश्त कर बुता हो न जीते। ए बताइए
नहीं किया, हमें पैसा दे दिए, दूसरा नगर दूसरा द्वार देखेंगे, दूसरा द्वार। हाँ दीदी घुस लो तो मजा लगलो ना, अच्छा लगलो ना। अरे कलैया में चूड़िया जी, अच्छा लगलो ना, देखो तो कितना बड़े एकदम चम 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 चमा कर रहे कि। हे दीदी तू तो चूड़िया पहन ले लू। हाँ आओ एगो आओ है जे एगो नाइकी मालकिनी नहीं लखुन है चल गए क्यों रूस के नहिरा। अरे तोर नाइकी मम्मी ना लखुन है ना, हमर नाइकी मम्मी ना लखुन। अरे तोर नाइकी मम्मी आयल खुन है ना, वो जाना हो दीदी वो डेली रोते रहा खुन, डेली रोते रहा खुन। तब वो हमारा चला ना उन करके चाल करके चुल्हारवा से कहा भी कि चुल्हारवा ये नाइको मलकी ने कहे जे चूड़िया पहना दे तो जरा। हाँ चला जे ए चुल्हारा भाई हमारा गाँव हथी ना जे मलकिनी है जे उनका पहनावेला है तो ठीक है बुला के लेके आइए पहना देता हूँ। हाँ क्या चुल्हारा भैया आई है दुर्पाल, मैं जब से मैंने आई हूँ सिंगार करना मैंने भूल गई हूँ दुर्पाल। जब से आई लो जब से सिंगार करना भूल गए लो है ठिनार नहीं सिंगार 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 ताई आए खे ना तो सिंगार तोरा ना पहनाए थून खाली चूड़ी ना पहने थून तोरा। ठीक है तुम्हें जाओ हमने जाइयो आ तो हमने दोनों साथे रहो है तुम जाओ रे पागल। ए चुल्हारा भाई ए जा देख भाई दूरबीन लगल हो दूरबीन दू दू गो अगर उल्टा पुल्टा कहीं ना तो महाराज में भाई ही है। अरे भाई सुनिए हम चूड़ी बेचने के लिए आए हैं, चूड़ी बेच कर बेचते हैं तो हमारा पेट चलता है और गांव गांव में उल्टा पुल्टा गलत व्यवहार करेंगे तो कोई हमको चूड़ी लेंगे पहनेंगे। वही बात ये कह दे को उल्टा पुल्टा कह ले तो दूरबीन लगाई ले ज्यादा उल्टा पुल्टा कह ला कहीं मरा गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बैठिए। हे महारानी बैठिए बैठ करके आप चूड़ी पहनिए। चुल्हारे भैया ये बताइए कि कौन कौन देश में जाकर अपनी अपनी चूड़ी बेचते हैं भैया जी, ये बता सकते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं तो जानने के लिए चाहते हैं सुन लीजिए। नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर हेमा कुमारी। अगर आप चाहते हैं कि जियो बोका म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।